शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या तुमने प्रेम कुमार की नौकरी कर ली? अरे जिस आदमी से बात करने को मैं अपमान समझता हूँ, तुमने उस आदमी की नौकरी कर ली? वो मुझको 7,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं और आजकल 7,000 रुपया किसी बड़े ऑफिसर की भी तनख्वाह नहीं होती। तो तुम्हें 7,000 तनख्वाह नहीं दे रहा बल्कि रिश्वत दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी जेब भरकर वो मुझे खरीदना चाहता है और मैं उस ईमानदार कांस्टेबल जमुना प्रसाद का बेटा हूँ जिसने फाके कर लिए मगर रिश्वत के पैसों से कभी रोटी खरीद कर नहीं खाई। बिना दवाई के बीमार पत्नी घुट घुट के मर गई, मेरी माँ मर गई मगर उसे दवाई नहीं खरीदी उन पैसों की। उस ईमानदार दादा के पोते हो तुम। तो क्या यह जरूरी है हमारे बुजुर्गों ने जो बेवकूफी की वो बेवकूफी मैं भी करूं? सामान संभाल के बात कर लेना। बस कीजिए ना, इसने वहाँ नौकरी कर ली है, कोई चोरी या बेईमानी तो नहीं की? किसी बेईमान आदमी के यहाँ काम करना चोरी से बड़ा जुर्म है। ये जुर्म उस वक्त होगा जब ये भी कोई जुर्म करेगा, लेकिन मेरा बेटा ईमानदारी से काम करेगा, शराफत की रोटी कमाएगा। देखो लक्ष्मी, तुम आज इसकी हिम्मत बढ़ा रहे हो, कल पछताओगी, याद रखना। नहीं, मुझे अपनी औलाद पर पूरा विश्वास है। अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ कि बेटा अगर किसी बेईमान आदमी के यहाँ काम करे तो ऐसी माँ का विश्वास कितने दिनों तक सलामत रहता है। मैं भी देखता हूँ। बेटे, एक हमारी जमीन का प्लान है, पसंद आया तुम्हें? अच्छा है, एरिया के हिसाब से आप लोगों ने FSI बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पास नहीं करेगी। बेटे, अगर तुम इस प्लान को अपने पिता गंगाराम से पास करवा दो तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी के इम्तिहान में पास होगे। विजय इस काम के हो जाने के बाद हम तुम्हें एक ऐसा तोहफा देंगे जो तुमने अपनी जिंदगी में अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाय डैडी। सपना जी, लीजिए तोहफे का नाम लिया और तोहफा खुद चलकर आ गया। विजय, ये मेरी बेटी सपना है। हेलो। हेलो सर, समझ लीजिए आपका प्लान पास हो गया। ये तुम ये प्लान पास करवाने के लिए मेरे पास आए हो? ये जमीन जिस पर मुश्किल से 4 मंजिला इमारत नहीं बन सकती, तुम इस पर 10 मंजिला इमारत बनाना चाहते हो? और साथ में प्रेम कुमार घटिया सीमेंट कॉन्क्रीट इस्तेमाल करके हजारों इंसानों की जिंदगी से खेल जाए? पिताजी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, आपके एक दस्तखत से मेरी जिंदगी बन सकती है। विजय, तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए मैं अपने ईमान को नहीं बिगाड़ूंगा। तुम अपने बाप को अच्छी तरह जानते हो, अपना सर कटा देगा, अपना खून बहा देगा मगर इस बेईमानी के कागज पर स्याही नहीं बहाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी भी घड़ी अपना लेकर मेरे पास आना? मैं यहाँ पर आपका भाषण सुनने नहीं आया हूँ पिताजी। सारी जिंदगी गुजर गई आपका खोखला भाषण सुनते सुनते। क्या दिया है आज तक आपकी ईमानदारी और शराफत ने आपको? जब से होश संभाला है माँ के तन पर 2 साड़ी के सिवा तीसरी साड़ी नहीं देखी। त्योहार आता तो लोगों के घर में घी के दिए जलते, लेकिन इस घर में मट्टी का दिया बड़ी मुश्किल से जलता पिताजी। सारी जिंदगी दाल, सूखी सब्जी और रोटी के अलावा क्या पका इस घर में? कितनी बार कहा आपसे, इस खंडर जैसे मकान को, इस मनुज मकान को बेचकर कोई नया मकान ले लीजिए, मगर जिद नहीं, बुजुर्गों की निशानी को बेचा नहीं जाता। यह जवाब देकर मुंह बंद कर दिया आपने। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स का, एहसास कमतरी का शिकार रहा। लड़कों के अच्छे अच्छे कपड़े देखकर, उनकी मोटरसाइकिल उनकी गाड़ियां देखकर मन ही मन जलता रहा और खुद को कोसता रहा कि ऐसे कंगाल गरीब घर में जन्म लेने से तो बेहतर था कि मैं जन्म लेते मर क्यों नहीं गया। रोको, मुझे बोलने दो। बहुत जब्त किया मैंने आज तक, आज जब पैसा कमाने का मौका आया तो आप अपनी ईमानदारी का भाषण सुनाकर अपनी तरह मुझे भी कंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हो, मगर नहीं, मैं बनने वाला नहीं। मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे जमीन और आसमान आपस में क्यों ना मिलाना पड़े, मैं मिलाकर रहूंगा। पिताजी, अगर आज आपने इन कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। चले क्या जाओगे बेटे?
तुम तो पहले ही जा चुके हो। अपने आप को एक दौलत वाले की मंडी में बेचकर आज बहाना बनाकर हम लोगों से रिश्ता तोड़ने आए हो। मैं जानता हूं बेटा, मैं सब जानता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना बेटे, तुम्हारी उम्र मेरे तजुर्बे से बहुत कम है। तुमने उतनी दिवालियां नहीं देखी है जितनी मैंने तुम जैसे बिकने वालों की बर्बादियां देखी हैं। एक दिन आएगा जब तुम छाती पीट पीट के दुनिया को अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाना चाहोगे, पर वहां सुनने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ रोने वाले तुम होगे, सुनने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, सुनिए, वो जा रहा है, उसे रोकिए ना। जाने दो लक्ष्मी, जाने दो इसे। इस वक्त ये खुदगर्जी के घोड़े पर सवार बर्बादी के तूफान मोड़ता हुआ चला जा रहा है, और ऐसे सवार को वक्त के थप्पड़ और जमाने के ठोकर के सिवा कोई नहीं रोक सकता, शायद भगवान भी नहीं रोक सकता इसे। जाने दो इसे। सर, विजय, तुम्हारे चेहरे की किताब कह रही है कि तुम नाकामयाब लौटे हो, मगर फिक्र मत करो बेटे, कामयाबी और नाकामयाबी तो जिंदगी के दो पहलू हैं। तुम नाकामयाब हुए तो क्या हुआ, मैं अपने वादे से नहीं बदलूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? हां, शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं, तुम्हें मेरे घर आके रहना होगा। सर, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। यह तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे अपने चरणों में शरण दे रहे हैं। आप महान हैं। नहीं, नहीं, मैं आज ही शादी की तैयारियां करता हूं। हैप्पी। जिस औलाद पर मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिसके भविष्य के लिए अपना पेट काट काट कर उसे आला तालीम दिलाई, क्या नसीब है हमारा। उस औलाद ने हमसे शादी की इजाजत एक तरफ, हमें शादी की खबर तक नहीं की। वाह भाई, मान गए प्रेम कुमार को, उसने अपनी बेटी सपना की शादी का वादा तुमसे किया, और शादी करती विजय के साथ, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो विजय के बाप गंगाराम से अपने रुके हुए काम पूरे करा सके। हमने दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर प्रेम कुमार की कंपनी को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। नारंग, आज के बाद हम किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए काम करेंगे। पैसा मेरा होगा और दिमाग तुम्हारा। ओके। अरे मेरा काम चरक किसे रही है, छोड़ो भी नहीं। अरे माटी मिले, अरे मेरा फूल चंद बात तक आ रहे, तेरा शमशान तक पीछे नहीं छोड़ने वाली। आई रे पड़ी को फेंक के मार ले। बचा बचा, गंगाराम, अरे गंगाराम, अरे गंगाराम, अरे गंगाराम, गंगाराम मेरे भाई, गंगाराम, अरे मुझे इनकी धोते बचा। अरे पर हुआ क्या? अरे 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 डरो, क्या हुआ, क्या क्या हुआ? बाबूजी मैं बता दी, इसको दूसरा बेटा हुआ, हम लोग बच्चे का सत्ता देने को बोल रहे, ये मुआ इनका दे रहे। फूलचंद, फिर बच्चा हुआ? क्या करूं, शादी मेरी देर में हुई तो बच्चा भी हुआ। अरे शर्म करो यार, उस दिन तो तुम्हारे बेटे के घर में बच्चा होना चाहिए था, तुम्हारे घर में हो रहा है। चलो पैसे दो। पैसे? लेकिन पैसे दो, इंदु के दिन के हवाले कर दूंगा अभी। पैसे तुम कहते हो तो थोड़े दे देता हूँ। थोड़े से नहीं, पूरे दो, बच्चे तो बढ़ गए क्या। चलो जाओ। हाय बाबूजी, तुम भी कुछ दो ना। क्यों, मैं किस खुशी में? कमाल हो गया, तुम ना खबर नहीं, तुम दादा बन गए। हाँ, क्या विजय बाबू के यहाँ बेटा हो गया? सच? मैं दादा बन गया? हाँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बाहर आओ, खुशखबरी है। क्या हुआ, कैसे खुशखबरी? अरे तुम दादी बन गई, मैं दादा बन गया, विजय का घर बेटा पैदा हुआ है। सच?
कसम माँ जी, इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई, ला हमारी बख्शीश। अरे तुम्हारी बख्शीश मैं देता हूँ, ये लो, चलो खुश रहो। गुलचंद, आज आज मैं फिर जन्मा हूँ। ये बूढ़ा गंगाराम बच्चा बनकर इस दुनिया में फिर जन्मा है। अरे देखना, अब देखना मैं अपने पोते को कितना महान इंसान बनाता हूँ। फरात की तरह मजबूत, जान का सच्चा, चरित्र ऐसा कि जिस मोहल्ले से गुजरेगा तो लोग कहेंगे ये नौजवान है ना, उस बूढ़े गंगाराम का पोता है। बूढ़े गंगाराम, गरीब गंगाराम का महान पोता। अरे वाह, क्या हुआ गंगाराम? मैं बेवकूफ तो जज्बात की धारा में ऐसे बहता जा रहा हूं जैसे मेरा पोता मेरी झोली में पड़ा हो। अरे जिस दादा को उसके पोते के पैदा होने की कोई खबर नहीं देता, उस दादा को पोता पालने के लिए कौन देगा? मुझे मेरे बेटे ने खबर तक नहीं दी कि उसके घर बेटा पैदा हुआ है, तो मुझे पालने के लिए कौन देगा?